गाइज अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मेरे फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स कि किया और ह्युंडई की कार जो होती है वो सेल्स में इतनी अच्छी कैसे रहती है। तो उसका रीज़न यही है कि वो प्राइस जो है वो अच्छा रखती है, मतलब कि अफोर्डेबल रखती है और बेस वेरिएंट से ही अपने काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स भी ऑफर करती हैं। सेम अभी जो हमारे पास कार है जिसमें हम बैठे हैं वो है न्यूली लॉन्च्ड किया कैरेंस, इसका भी हाल बिल्कुल सिमिलर है। इसके बेस वेरिएंट से ही आपको काफ़ी सारे इसमें सेफ्टी फीचर्स ऑफर होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग्स। अब 6 एयरबैग्स गाइस जनरली आपको बेस मॉडल से कम ही देखने को मिलते हैं किसी भी कार में, बट ये गाड़ी जो है वो आपको बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स भी ऑफर कर रही है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ESC, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सब फीचर्स भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाले हैं, वो भी बेस वेरिएंट से। ऑल्दो अभी जो हम वेरिएंट पे बैठे हैं वो बेस वेरिएंट नहीं है, वो बेस से ऊपर वाला वेरिएंट प्रेस्टीज वेरिएंट है इसका। शोरूम कॉस्ट इसकी इंजन के हिसाब से डिपेंड कर सकती है। अब गाइस इसने लॉन्च होते ही अपनी सेगमेंट की सारी कार्स को कम्पीट करना शुरू कर दिया है, जैसे कि आर्टिगा XL6 आती है वो इसके डायरेक्ट राइवल है, बट इसमें जो आपको कुछ फीचर्स एडिशनल मिलते हैं उसकी वजह से ये स्टैंड आउट करती है अपने सेगमेंट में, जिसमें से मैंने आपको बता ही दिया कि 6 एयरबैग्स जैसे कुछ सेफ्टी फीचर्स आपको ये गाड़ी अपने बेस वेरिएंट से ही ऑफर करती है, तो ये चीज इसका एक प्लस पॉइंट हो सकता है। इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक 1.4 लीटर का टर्बो GDI इंजन, दूसरा आपको मिलता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड स्मार्ट स्टीम इंजन और तीसरा आपको मिलता है इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन। अगर बात करूँ फ्रंट प्रोफाइल की इसके, तो फ्रंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, उसी के साथ इंटीग्रेटेड है इसके टर्न इंडिकेटर्स, बट हेडलैम्प्स और टर्न इंडिकेटर्स जो है वो आपको नॉर्मल हेलोजन के फॉर्म में मिलेंगे। बाकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है फ्रंट से ये गाड़ी देखने में, और डेफिनेटली अगर मैं एर्टिगा और XL6 से इसे कंपेयर करूँ तो यस ये गाड़ी स्टैंड आउट करती है उनके कंपेरिजन में। बाकी के साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में आपको इसमें देख सकते हैं आप 16 इंचेस के स्टील रिम आपको देखने को मिल रहे हैं। अलॉय व्हील्स का ऑप्शन आपको इससे ऊपर वाले वेरिएंट में देखने को मिलेगा जो कि इसका टॉप वेरिएंट है। एक बार मैं वो भी आपको चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका टॉप वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बट इसमें आपको प्रेस्टीज वेरिएंट में आपको स्टील रिम देखने को मिलेंगे वो भी 16 इंचेस के। इसके अलावा गाइस मैं आपको इसका एक और ज़बरदस्त पॉइंट बताता हूँ, इस कार में आपको बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट सभी वेरिएंट्स में ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन थोड़ा सा अच्छा फैक्टर हो जाता है एज फार एज सेफ्टी इज कंसर्न्ड। डोर हैंडल्स जो हैं वो आपको बॉडी कलर में तो मिलते हैं, टॉप वेरिएंट में आप जाएंगे तो क्रोम आपको देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें गाइस तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका देख सकते हैं काफी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर बात करें MPV की तो काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको देखने को मिल जाता है। रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं एक बार, रियर से बात करें गाइस तो रियर में भी सेम वही हाल है जैसे कि इसका फ्रंट में हाल था। इस प्रेस्टीज वेरिएंट में आपको कोई भी LED का सेटअप देखने को नहीं मिलता है, यानी कि रियर से भी आपको यहाँ पे हैलोजन का ही सेटअप देखने को मिलेगा इस कार में। टर्बो GDI इंजन की बैजिंग आपको मिलती है जो कि बताती है कि इसमें आपको 1.4 लीटर का टर्बो GDI इंजन देखने को मिलता है, किया का न्यू लोगो कैरेंस की बैजिंग। और गाइस अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको जनरली कार्स में यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर ही देखने को मिलते हैं, बट इस कार में आपको फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर दिए गए हैं प्रेस्टीज वेरिएंट में। मोरोवर इस प्रेस्टीज वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो किया ने यहाँ पे अच्छी बात ये की है कि सेफ्टी को यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दी है, जो कि जनरली आजकल के लोग प्रेफर कर रहे हैं। बट अब हम आपको दिखाते हैं इसकी प्रैक्टिकलिटी। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेग रूम आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, और यहाँ पे शोल्डर रूम की बात करें तो आराम से आपके 3 पैसेंजर्स बैठ पाएंगे इसमें। बट शोल्डर रूम दिखाने से पहले मैं यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिखा देता हूँ एक बार इसकी। तो ये आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल रही है, कप होल्डर के लिए वैसे बनाई गई है, बट यहाँ पे छोटी सी बॉटल है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं और यहाँ पे आराम से प्लेस हो जाएगी। वैसे भी इसे हम बंद कर देते हैं, और जब हमने इसे बंद किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शोल्डर रूम काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ का, और 3 पैसेंजर के लिए बैठने में कोई इशू नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ फ्लोर में आपको कोई भी हम्प देखने को नहीं मिलता है, या ट्रांसमिशन टनल हम कह सकते हैं यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से 3rd पैसेंजर जो बैठा होगा यहाँ पे वो काफ़ी कंफर्टेबली बैठ पाएगा। AC वेंट जो है वो इसके यहाँ पर है रूफ पे, तो रूफ माउंटेड AC वेंट्स आपको देखने को मिलते हैं इसमें। इसे ओपन हम कुछ ऐसे करेंगे, ये आप ओपन हो गए, और यहाँ पे जो लाइटिंग मिलती है वो आपको LED नहीं मिलती है। अभी मैं इसे ऑन इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ी जो है वो शोरूम में खड़ी थी काफ़ी टाइम से, और इस वजह से इसकी बैटरी जो है वो डाउन हो चुकी है। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आपको इसके अभी ऑन करके नहीं दिखा पाऊंगा इस गाड़ी को, बट मैं आपको ऑलमोस्ट डिटेल में इसके सारे फीचर्स बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड रो की बात कर ली है, बट यहाँ पे इसका जो मेजर अट्रैक्शन है वो है इसकी 3rd रो।
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेस काफ़ी अच्छा है। मेरी जो हाइट है वो है नियरली 5 फीट 9 इंच और यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किड्स ही यहाँ पे बैठाने पड़ेंगे, आपकी हाइट अगर मेरे जितनी है या मेरे से कम भी है तो भी आप इजीली यहाँ पे बैठ पाएंगे। एक और अच्छी बात गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडर टायर सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं ये कह सकता हूँ कि जस्ट ये एक जेन्युइन एमपीवी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 5+2 सीटर किया ने से बना दिया है, जेन्युइनली आप इसमें 7 पैसेंजर बैठ के लॉन्ग ट्रिप पर जा सकते हैं। यहाँ से ये हो गई आर्मरेस्ट डाउन और अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शाही आपकी ट्रिप हो जाएगी अगर आप सेकंड रो में भी बैठेंगे और यहाँ पे आपको थर्ड रो में भी बैठेंगे। काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलता है। तो यस, प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है और अगर आप 10 लाख से अंडर कोई ऐसी प्रैक्टिकल कार भी ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। बाकी अगर थर्ड रो की बात करें तो यहाँ पे आपको कप होल्डर देखने को मिलता है, टाइप सी के पोर्ट्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से चार्जिंग के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस साइड भी सेम ही चीज़ आपको देखने को मिल रही है और यहाँ से आपको हेडरूम भी बहुत ही अच्छा खासा मिल रहा है। अगेन आपको रूफ माउंटेड एसी वेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ये लाइटिंग आपको देखने को मिल रही है। और बूट की बात करें तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस इतना देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सामान नहीं आ पाएगा, ऑल्दो आप इसे 50-50 स्प्लिट भी कर सकते हैं। अगर आपको बूट स्पेस और एनहेंस करना है तब आपका जो बूट स्पेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एक मैं आपको सीट करके दिखा देता हूं, ऐसे यहां से मैंने इसे प्रेस किया सीट को और ये आप देख सकते हैं कि 50-50 स्प्लिट हो गई ये सीट, यानी कि आपका जो सामान है अब आराम से यहाँ पे आ सकता है। अगर आप चार ही लोग इसमें ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप आराम से 4 लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना सामान काफ़ी ज़्यादा रख सकते हैं। जिस सीट में मैं करंटली बैठा हूँ आप इसे भी फोल्ड कर सकते हैं पूरी तरह से और आपका बूट स्पेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि जनरली आप 10 लाख से नीचे आप जनरली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चूज़ करते हैं या हैचबैक चूज़ करते हैं या सब कॉम्पैक्ट सेडान चूज़ करते हैं तो उसकी जगह भी आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं और आपका स्पेस जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाएगा बूट स्पेस। तो आई डोंट थिंक कि प्रैक्टिकलिटी के मामले में आपको कोई कंप्लेन इस कार में देखने को मिलेगी। ओके, तो गाइज अब आ गए हम दोबारा से फ्रंट सीट पे इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीयरिंग आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, उसी के साथ स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड वॉइस कंट्रोल्स के बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन्स दिए गए हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बैटरी डाउन होने की वजह से मैं ऑन नहीं कर पा रहा हूँ अभी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। और अच्छी बात यह कि इस वेरिएंट से आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिल जाता है जो है 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। और मजे की बात तो यह है कि इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले देखने को मिलता है जो कि जनरली हमें इस प्राइस रेंज में बहुत ही कम कार्स में देखने को मिलता है। एसी आप देख सकते हैं यहाँ पे, एसी वेंट्स कुछ इस टाइप के दिए गए हैं, काफ़ी प्रीमियम लगते हैं इसके एसी वेंट्स, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और स्पेस के मामले में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है फ्रंट कंपार्टमेंट भी इसका। डैशबोर्ड आप कुछ ऐसा देख सकते हैं। अगर बात करूँ क्वालिटी की तो क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई है इसकी। मतलब कि ऐसा लगता है कि प्लास्टिक की क्वालिटी में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जा सकती थी। मोर ओवर डोर्स की भी क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव की जा सकती थी क्योंकि जब हम 10 से 12 लाख रुपीज़ किसी कार में देते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डोर्स की क्वालिटी थोड़ी सी स्टर्डी हो और थोड़ी सी हैवीनेस हो डोर्स में। बट स्टिल काफ़ी अच्छा है प्राइस के हिसाब से और जैसे कि मैंने आपको बताया सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से ये चीज़ यहाँ पे स्टैंड आउट करती है इस कार में। ग्लव बॉक्स में आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ, तो ग्लव बॉक्स आपको काफ़ी छोटे साइज़ का मिलता है बट ठीक है। यहाँ पे आपको ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर भी देखने को मिलता है, USB पोर्ट और टाइप सी पोर्ट और 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह भी आपको इस कार में देखने को मिलते हैं, वो भी बेस वेरिएंट से 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल रहा है। गाइस यहाँ पे आपको प्रेस्टीज वेरिएंट में सिर्फ मैनुअली ट्रांसमिशन देखने को मिलता है तो वो चीज़ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी और एनहांस करने के लिए बॉटल होल्डर दिए गए हैं, ये आपको आर्मरेस्ट दी गई है और आर्मरेस्ट में बहुत ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, यहाँ पे आप आराम से अपना सामान रख सकते हैं। इसके अलावा गाइस जहाँ आपको बड़ी बड़ी कार्स में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलता है वहां ये कार आपको अपने बेस वेरिएंट से ही टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर करती है जो कि अगेन इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर बात करें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की तो आपको इस प्रेस्टीज वेरिएंट में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलेगा, इसमें आपको नॉर्मल रिमोट कीज ही मिलती है। तो अगर आपको स्मार्ट की विद इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन चाहिए तो आपको प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट को ऑप्ट करना पड़ेगा जो कि इससे एक ऊपर वाला वेरिएंट है। सिमिलरली आपको इस वेरिएंट में एडजस्टेबल ओआरवीएम्स तो मिलते हैं बट ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते। अगर आपको ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स चाहिए तो आपको प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट ऑप्ट करना पड़ेगा जो कि अगेन इससे ऊपर वाला वेरिएंट है। इसके अलावा गाइस ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा तो वो भी कन्वीनियंस के लिए अच्छा है। ओवरऑल अगर प्रेस्टीज वेरिएंट की बात करूं तो अपने प्राइस के हिसाब से यस ये वेरिएंट जस्टिस करता है,
क्योंकि आपको इसमें सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मोरओवर ये वेरिएंट आपको तीनों इंजन ऑप्शंस के साथ भी आता है। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको मैनुअली ट्रांसमिशन इस वेरिएंट में मिलेगा। अगर ऑटोमेटिक आप शौकीन है तो आपको हायर वेरिएंट पे जाना पड़ेगा। तो अब आप हमें नीचे दिए कमेंट्स में बताइए कि आपको किया कैरेंस का ये प्रेस्टीज वेरिएंट कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है गाइज, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए पहले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।